एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन को आपने देखा होगा कि हमेशा अपनी फिल्मी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के साथ प्रोफेशनल लाइफस्टाइल को भी मेंटेन करती है। लेकिन ये भी एक सच है कि ऐश्वर्या जब भी नजर आती है बी टाउन में, अपनी फिल्मों से हटकर सोशल मीडिया पर बर्स क्रिएट करने से जुड़ी अफवाहों का शिकार होती हुई तो बच्चन परिवार बेहद ज्यादा परेशान हो जाता है। और जब बच्चन बहू ऐश्वर्या की निजी जिंदगी को लेकर लोग बातें करते हैं तो फिर जवाब स्पेशली ऐश्वर्या के हस्बैंड अभिषेक बच्चन देने के लिए सामने आते हैं। एक बार फिर से ऐश्वर्या राय बच्चन सोशल मीडिया पर बर्स का कारण बन गई है और इस बार ऐश्वर्या का बर्स क्रिएट करने के पीछे अभिषेक की एक ट्वीट है जो कि काफी चर्चा में है। पिछले दिनों हमने आपको बताया था कि अभिषेक बच्चन ने एक ट्वीट किया था सरप्राइज फॉर यू, जिस पर लोगों ने तमाम कमेंट्स किए और उसी कमेंट्स में कुछ और नए कमेंट्स, जी हाँ वो सिलसिला बरकरार है। अभिषेक बच्चन ने ये बताया कि वो अपने अमिताभ बच्चन अपने पिता अमिताभ की फिल्म झुंड के टीजर को एक्साइटेड होकर सरप्राइज के तौर पर बताना चाहते हैं, जिसके लिए वो बहुत एक्साइटेड है। लेकिन पिता की फिल्म के लिए एक्साइटमेंट अभिषेक को क्यों होगी, लोगों ने तमाम सवाल किए। इस पर अभिषेक बच्चन का कमेंट भी सामने आया। लेकिन अभिषेक से जब पूछा गया क्या आप दूसरी बार पिता बन रहे हैं, दूसरे बच्चे का जन्म हुआ है, क्या ऐश्वर्या के बेटी आराध्या को एक सिबलिंग मिल गया है, और तो और तमाम और भी सवाल किए गए, तो इन सभी सवालों का जवाब देते हुए अभिषेक बच्चन को जब सामने आने देखने का इंतजार कर रहे थे लोग, तो अभिषेक ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया और लगातार ये सिलसिला बरकरार रहा सवालों का, जिसमें और भी कुछ नए एक्सपेक्टेशन सामने आए हैं। आइए हमारे स्पेशल प्रोग्राम के स्पेशल रिपोर्ट की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कैसे अभिषेक बच्चन को लेकर ट्वीट्स ने काफी ज्यादा जवाब देने के लिए मजबूर किया है। देखिए रिपोर्ट। जी हाँ, इस रिपोर्ट में हम बात कर रहे हैं आप सभी के बीच बॉलीवुड की ब्यूटी डिवा ऐश्वर्या राय बच्चन को जिस तरह से सवालों से घिरे रहना पड़ा है उसके बारे में। अभिषेक ने जब लिखा, हे गाइस, हैव अ सरप्राइज फॉर ऑल ऑफ यू, स्टे ट्यून्ड, सुबह के 10:33 पर 21 जनवरी को अभिषेक ने ट्वीट किया जिस पर भारतीय नागरिक और ऐश्वर्या नाम के ट्विटर यूजर ने अभिषेक बच्चन को टैग करते हुए लिखा, बधाई हो नए बच्चे के जन्म पर, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर न्यू बर्न, यानी कि अभी तो बच्चा जन्मा नहीं और इससे पहले ही अभिषेक और ऐश्वर्या को बधाइयां मिलनी शुरू हो गई है, जिन्होंने फैमिली प्लानिंग का जिक्र तो किया ही नहीं। विकास यादव ने भी अपनी तरफ से डिमांड रख दी जूनियर बच्चन साहब को, उन्होंने लिखा, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर न्यू बॉर्न बेबी, फॉर न्यू बेबी, यानी कि नए मेहमान, नए बच्चे को लेकर, ऐश्वर्या के दूसरे बच्चे को लेकर बधाइयां अभिषेक को जमकर मिल रही हैं। ऐश्वर्या की दूसरी प्रेगनेंसी से जुड़ी खबरों की कंफर्मेशन से पहले ही इसमें सुतापा नाम के भी एक ट्विटर यूजर है जिन्होंने लिखा, जूनियर बच्चन साहब OMG यू आर बिकमिंग पापा अगेन, कहकर वो हंस पड़े। यानी कि यहाँ पर अभिषेक बच्चन से मजाक किया गया है। इतना ही नहीं, मृत्युंजय कुमार यानी कि रोहित नाम के ट्विटर यूजर ने अभिषेक बच्चन से सवाल भी किया, इस बार बेटी या फिर बेटा। और तो और आहुसल ने भी लिखा, अभिषेक बच्चन के लिए न्यू एडिशन टू द फैमिली, यानी कि बच्चन फैमिली में एक न्यू एडिशन की ज्वाइनिंग हो रही है, बच्चन फैमिली एक्सपेंड किए जा रहे हैं, अभिषेक और ऐश्वर्या दोबारा से पापा मम्मी बनने वाले हैं। ये कुछ नए कमेंट्स आए हैं और इन सभी नए कमेंट्स में सिर्फ और सिर्फ लोग अभिषेक को ही बधाइयां दे रहे हैं, अभिषेक के सरप्राइज वाले ट्वीट का मजाक बनाते हुए, जिस पर अब अभिषेक को जवाब देना जरूरी है।
वेल दर्शकों, ये था हमारा स्पेशल प्रोग्राम ऐश्वर्या राय बच्चन को लेकर और उनके हस्बैंड अभिषेक बच्चन को लेकर, आराध्या के सिबलिंग को लेकर, सोशल मीडिया पर सवालों से घिरे ऐश्वर्या और अभिषेक से जुड़ी हमने आपको स्पेशल रिपोर्ट दी। वक्त हो गया है आपसे यही इजाजत लेने का, फिर लौटेंगे ऐसे ही बॉलीवुड से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को लेकर। देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।